तो इस कहानी के शुरू में हमें एक जंगल दिखाया जाता है। जंगल में एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया था। चलते हुए वो लोग एक टूटे हुए फायर टॉवर के पास से गुजरते हैं। फायर टॉवर की टूटी हुई लकड़ी पर एक खूबसूरत सा लॉकेट लटका हुआ था, जिसे इनके ग्रुप का एक मेंबर ले लेता है। ये जाने बगैर ये लॉकेट अब इनके पीछे खतरों के साए लेकर चलेगा। लॉकेट लेकर ये लोग जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि अचानक वहाँ की जमीन हिलने लगी थी और जमीन को फाड़ते हुए खौफनाक तरीके से एक इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकल आया था, जो असल में जमीन के नीचे इसी लॉकेट की वजह से सोया हुआ था। और क्योंकि अब उसका लॉकेट उससे दूर जा चुका है, इसीलिए गुस्से में वो जंगल में अपना लॉकेट ढूंढने के लिए निकल आया है। एक दरख्त के करीब पहुंचने पर उसे एक ट्रैप में फंसी जानवर की सड़ी हुई लाश देखने को मिलती है। दरख्त पर एक कैमरा भी लगा था, जिसे देखकर ये मॉन्स्टर जान गया कि जरूर यहाँ करीब कोई रहता होगा। इसी सेकंड उसे कार का हॉर्न सुनाई देता है, जो दो घरों के पास से आ रहा था। इस जगह पर दो आदमी आपस में बहस कर रहे थे, जिनमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और दूसरा यहाँ रहने वाला आदमी। फॉरेस्ट ऑफिसर दूसरे आदमी पर भड़क रहा था कि जंगल में कम ट्रैप लगाया करो, तुम्हारे चक्कर में अगर कोई टूरिस्ट यहाँ फंस गया ना तो मसला बन जाएगा। इसी दौरान वो मॉन्स्टर नुमा इंसान कॉन्टिन्यूसली उनकी तरफ बढ़ता रहा, जिससे अनजान ये लोग बहस करते रहे। जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ से चला गया और दूसरा आदमी अपने घर से गन लेते हुए वो भी घर से बाहर निकल आया। उसके जाने के बाद मॉन्स्टर उसके घर में आ गया। घर में एंटर होते ही उसकी नजर एक लॉकेट पर पड़ जाती है, साथ ही उसे मिरर में किसी की परछाई भी दिखाई थी। ये परछाई असल में उसका अलूयन था। उसे अपने डैड की याद आ रही थी, तब जब उन्होंने उसे उसकी मॉम का लॉकेट दिया था, ये कहते हुए कि कभी इसे अपने से दूर मत करना। रीजन हम समझ चुके हैं कि लॉकेट उस मॉन्स्टर के लिए इतना जरूरी क्यों है और क्यों वो इसी की वजह से सोया हुआ था। अब जब ये लॉकेट उससे दूर हो गया है, तो ये बात तो कंफर्म है कि वो उसे ढूंढ कर रहेगा। इससे पहले कि वो यहाँ पर रखा हुआ अपना लॉकेट उठाता, पीछे से घर का ओनर वहाँ आ जाता है और मॉन्स्टर पर नजर पड़ते ही उसकी तो हालत ही टाइट हो जाती है। और ये इसलिए कि जरूर मॉन्स्टर खौफनाक दिखता होगा, उसकी पूरी झलक तो अभी तक मूवी में दिखाई नहीं गई। खौफ में वो कुछ कर भी नहीं पाया और मॉन्स्टर ने उसके हाथ में पकड़ी हुई गन उससे ले ली। अपने आप को बचाने के लिए वो जंगल में भागता है और मॉन्स्टर उसका पीछा करने लग जाता है, पर नॉर्मल स्पीड में चलते हुए। बदकिस्मती से वो आदमी जंगल में अपने ही लगाए ट्रैप में फंस कर गिर गया। ऐसे मॉन्स्टर को उसे पकड़ने में परेशानी नहीं हुई, अपने लाल खौफनाक हाथों से उसने आदमी का मुंह चीरते हुए उसे जान से ही मार डाला। और फिर वापस उसके घर आकर खून से भरे हुए हाथों से जब वो लॉकेट उठाया, तो उसे मालूम हुआ कि ये लॉकेट तो उसका है ही नहीं, उसने बेवजह ही एक मासूम आदमी को मार डाला था। अब अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए ये मॉन्स्टर दोबारा जंगल में निकल आया, जहाँ से गुजरते हुए हम जंगल में उस आदमी की लाश को भी देख पाते हैं, जिसके जिस्म के कई टुकड़े करके मॉन्स्टर ने जगह जगह फेंक दिए थे। अब चलते हुए वो जंगल से बाहर निकला, तो उसे रोड साइड पे उन्हें फ्रेंड्स का ग्रुप नजर आ गया, जिसे हमने मूवी के शुरू में भी देखा है। ये लोग आपस में ही मजे कर रहे थे, इस चीज से अनजान कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है। मॉन्स्टर भी इन सब के ऊपर फौरन हमला करने के बजाय झाड़ियों में छुपकर इन्हें देखता रहता है, क्योंकि ये लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। असल में इस मॉन्स्टर का नाम है जॉन। जॉन की कहानी सभी लोकल लोग जानते थे, लेकिन उसके बारे में लोग बात करने से डरते थे। लेकिन इनके ग्रुप के एक लड़के एरन को ये सारी बातें उसके अंकल ने बताई थी। आज से 70 साल पहले जॉन पैदा हुआ था, लेकिन उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वक्त के साथ वो बड़ा तो होता रहा, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक 5 साल के बच्चे जितना रहा। जॉन के डैड को यहाँ लोकल लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे में जिसको भी जॉन के डैड के ऊपर गुस्सा था, वो उसका बदला जॉन से लेते, क्योंकि जॉन बदले में कुछ कह या कह नहीं सकता था। जॉन को टॉय कार से खेलने का बहुत शौक था, वो हमेशा उसी से खेलता रहता था। और एक दिन जब वो उससे खेल रहा था, तो गलती से वहां गुजरते हुए आदमी का पांव उसके ऊपर आने पे वो आदमी गिर जाता है और उसका पांव टूट जाता है। पांव टूटने की वजह से कई महीनों तक वो आदमी कोई काम न कर पाया और इसका सारा कसूरवार ठहराया गया जॉन को। इसीलिए सब लोगों ने मासूम जॉन से मिलकर बदला लेने का सोचा। एक प्लान बनाते हुए इन सब लोगों ने जॉन से कहा कि हमें फायर टॉवर के ऊपर एक कार टॉय से भरा हुआ बैग मिला है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो रात को फायर टॉवर के ऊपर आ जाना। जॉन भी उनकी बात मानते हुए रात में फायर टॉवर के ऊपर आया। उसे वहाँ कोई कार्ड्स का बैग तो नहीं मिला, लेकिन एक आदमी जरूर नजर आया, जो फायर फाइटर्स का मास्क पहनकर उसे डराने के लिए खड़ा था। उसे देखकर जॉन डर भी गया और डरते हुए वो गलती से फायर टॉवर से नीचे गिर गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। उसे मरा देखकर सभी लोग जिन्होंने जॉन को तंग करने का ये प्लान बनाया था, वो सब के सब घबरा गए कि अब ये मर गया है, अब ये लोग क्या करें, ये लोग जेल भी जा सकते हैं। तब अपने आप को बचाने के लिए
ये लोग जॉन को ही फायर फाइटर का मास्क पहना देते हैं और गांव में ऐसी खबर फैला देते हैं कि जॉन तो शायद खुद ही फायर टॉवर के अंदर खेल रहा होगा और खेलते खेलते गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसमें किसी का कसूर नहीं। गांव के सभी लोगों ने तो उनकी इस कहानी पे यकीन कर लिया, लेकिन जॉन के डैड को पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। जो लड़के ये कहानी पूरे गांव में फैला रहे हैं, जरूर जॉन की मौत के पीछे उन्हीं का हाथ है। जॉन के डैड जब अपने बेटे की मौत की सच्चाई उन लोगों से पूछने के लिए गए तो वहां उनके दरमियान में बहुत बुरी लड़ाई हो गई। उस पूरे ग्रुप ने मिलकर जॉन के डैड को इतना मारा कि उनकी भी मौत हो गई। ये सारा मामला जब पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी और आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले भी इस मामले को भूल गए। लेकिन जॉन नहीं भूला। अपने डैड की मौत के ठीक एक हफ्ते बाद जॉन पहली मरतबा जिंदा हुआ। जमीन से निकल कर उसने इस गांव के हर उस आदमी को पकड़ के मार डाला जो उसके और उसके डैड के साथ बुरा किया करते थे। जॉन की फैलाई हुई इस तबाही को रोकना मुश्किल था। ऐसे में किसी को जॉन की दुखती रख पता चली, जो कि था उसकी मोम का लॉकेट, जो उसे देकर जॉन को दोबारा जमीन के नीचे सुला दिया गया। लेकिन फिर काफी सालों बाद उस लॉकेट के दूर होने पे जॉन दोबारा जिंदा हुआ। उसने तब भी बहुत तबाही फैलाई और तब दोबारा किसी ने वो लॉकेट ढूंढकर जॉन को दोबारा सुला दिया और अब एक और तीसरी मर्तबा उस लॉकेट को जॉन से दूर कर दिया गया था। जिस लॉकेट को ढूंढने के लिए जॉन अब खुद आगे बढ़ा था। अब क्योंकि जॉन अनडेड है इसीलिए उसे मारा तो जा नहीं सकता, लेकिन हाँ उससे छुटकारा पाने का सिर्फ यही रास्ता है कि उसे लॉकेट देकर सुला दिया जाए। जॉन की कहानी खत्म होने के बाद ये पूरा ग्रुप मिलकर सेल्फी लेता है। सेल्फी लेने के बाद ये सभी लोग अपने अपने कैबिन में चले गए। जॉन अभी तक इनके ऊपर नजर रखे हुए था। काफी टाइम बाद एरिन अपने कैबिन से बाहर निकला और तब एकदम से जॉन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। एक लकड़ी उठाते हुए जॉन ने उसके मुंह में फंसाई और इतनी जोर से खींची कि एरिन का ऊपर वाला आधा सर उसकी बॉडी से ही अलग हो गया। एक हाथ में एरिन का सर पकड़ते हुए और दूसरे हाथ की उंगली में एरिन की बॉडी फंसाते हुए जॉन वहां से आगे बढ़ गया और चलते हुए पहुंच गया रेंजर स्टेशन तक। यहाँ रेंजर स्टेशन पे उसने बॉडी को नीचे गिरा दिया। एरिन के सर से उसने यहाँ एक कैबिन तोड़ा और वहां से कुछ चीजें उठाई, जिन चीजों में था फायर फाइटर मास्क, फायर फाइटर का यूनिफॉर्म और एक कुल्हाड़ी, जिसे पहनकर वो वहां से निकल गया। दोबारा जब वो जंगल में आया तो अब सुबह हो चुकी थी। जंगल में आकर वो देखता है कि एरिन की ग्रुप की दो लड़कियां नदी के पास थी, जिनमें से एक नदी में नहाने के लिए जंप कर देती है जबकि दूसरी लड़की यहाँ से योगा करने के लिए चली जाती है। जॉन ने यहाँ पानी के अंदर जंप किया और पानी में नहाने वाली लड़की को पानी के अंदर खींच कर ही मार डाला, जिसके बाद वो नदी के दूसरे किनारे से निकल कर दूसरी लड़की के पास पहुंचा जो इस टाइम योगा कर रही थी। जॉन के हाथ में एक हुक था, जिस हुक को वो इस लड़की की कमर में फंसा कर उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर खींच देता है। जाहिर सी बात है वो लड़की मर चुकी थी। इतने बुरे हमले के बाद कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों जॉन को तसल्ली नहीं हुई थी। ऐसा करने के बावजूद भी वो इस लड़की के सर को हुक से बांधते हुए उसकी कमर के सुराख से बाहर निकाल देता है, यानी उसने बॉडी का हुलिया ही बिगाड़ दिया। उसकी बॉडी एक राउंड बॉल की तरह बन चुकी थी जिसे वो क्लिफ से नीचे फेंककर आगे बढ़ जाता है। दूर वो देखता है कि दो लड़के आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उनके ग्रुप के काफी सारे साथी गायब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। इनमें से एक लड़का रेंजर स्टेशन पे जाके इस सारी चीज की कंप्लेन करने का आइडिया देता है, लेकिन दूसरे लड़के को ये आइडिया फजूल लगा। उनकी इसी लड़ाई के दौरान उनके हाथ में मौजूद गाड़ी की चाबी वहां से दूर जंगल में झाड़ियों में गिर जाती है, ठीक जॉन के पांव के आगे। कीज के कीरिंग में एक टॉय कार थी जो जॉन को बहुत ही ज्यादा पसंद थी और इसे उठाकर जॉन इससे खेलने लग गया। उनमें से एक लड़का कहता है कि ये काम सारा जॉन का तो नहीं। अपना नाम सुनकर जॉन के सर पे दोबारा खून सवार हो जाता है और वो इन दोनों लड़कों के सामने आ जाता है। जॉन दूर से ही अपनी कुल्हाड़ी को इन दोनों लड़कों की तरफ फेंकता है, जो कुल्हाड़ी एक लड़के के टांग में लग जाती है। ये लोग जॉन को देख चुके थे। जल्दी से दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उसकी टांग से निकालता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जॉन अब उनके बहुत करीब आ चुका था। उससे अपनी जान छुड़वाने के लिए वो लड़का अपनी गन से जॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जॉन फिलहाल के लिए तो नीचे गिर गया पर मरा नहीं क्योंकि वो अनडेड है। होश में आते ही उसने अपने पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी दोबारा उठाई और इन दोनों लड़कों की तरफ फेंकी, जो कुल्हाड़ी एक लड़के के सर पे लगने की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई और दूसरे लड़के के ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर से हमला करके उसके फेस को क्रश करके जॉन ने उसे भी मार डाला। इन दोनों को मारने के बाद जॉन ने इन दोनों की ही पॉकेट चेक की, लेकिन दोनों के पास उसका लॉकेट नहीं था।
अब वो बैठा यही सोच रहा था कि आखिर वो अपना लॉकेट ढूंढे कहाँ। तभी वो देखता है कि दूर से इनके ग्रुप के दो साथी आ रहे हैं, जिसमें से एक लड़के के गले में वही लॉकेट है जिसकी उसे तलाश है। जॉन कुल्हाड़ी उठाते हुए इरादा करता है कि वो उस लड़के की गर्दन काट कर अपना लॉकेट वापस ले लेगा। इससे पहले कि वो इस लड़के के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता, पीछे उसके साथी जॉन को देख चुकी थी। वो जल्दी से उस लड़के को वहां से दूर हटाती है और तेजी से ये दोनों अपना बाइक स्टार्ट करते हुए यहाँ जंगल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जॉन भी पहले की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इनका पीछा करने लग जाता है। ये दोनों रेंजर स्टेशन पे पहुंचते हैं और वहां जाकर जॉन के बारे में कंप्लेन करते हैं। रेंजर्स जो इसी इलाके के थे, उन्हें तो जॉन की कहानी पहले से ही मालूम थी। इस रेंजर को इस लड़के के गले में जॉन की मॉम का लॉकेट में नजर आ जाता है और ये देखकर वो इस लड़के के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से वो लॉकेट उठाने की, ऐसी अनजान जगहों से चीजें नहीं उठाया करते। तुमने वो लॉकेट उठा लिया है, इसका मतलब जॉन जिंदा हो गया। इससे पहले भी एक मरतबा मैंने जॉन को ये लॉकेट देकर चलाया था और उससे पहले मेरे डैड ने, और अब लगता है कि दोबारा मुझे ये काम करना पड़ेगा। यहाँ ये लड़की आगे देती है, हम जॉन को उसके लॉकेट वापस कर देते हैं। जिस पर रेंजर टॉन्ट करते हुए से कहता है, तुम्हारा दोस्त है ना वो जो लॉकेट लेकर तुम्हें छोड़ देगा। चलते चलते रात भी हो चुकी थी और जॉन भी इस रेंजर स्टेशन तक पहुंच चुका था। जैसे ही रेंजर की नजर जॉन के ऊपर पड़ती है, वो उसे शूट करके फिलहाल के लिए वहां से गिरा देता है। जिसके बाद इनका प्लान था कि वो उसे काबू करके वापस उसकी ग्रेव तक ले जाएंगे, लेकिन इनका ये प्लान ही रह जाता है क्योंकि अगले ही सेकंड जॉन होश में आकर इन लोगों को ही ओवरपावर कर चुका था। वो इन्हीं के ऊपर हमला कर चुका था। रेंजर की जेब से बंदूक निकालते हुए वो यहाँ रेंजर के ऊपर ही हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ मौजूद वो लड़का और लड़की यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इस टाइम उनके पीछे जॉन नहीं भागता। उससे पहले रेंजर से अपना हिसाब किताब पूरा करना था। वो अपने हुक को रेंजर की स्पाइन में डालते हुए सबसे पहले उसकी स्पाइन बाहर निकाल देता है और फिर उसे उठा के ले जाता है उसके रूम में। एक मशीन के जरिए उसने पहले रेंजर का हाथ काटा, जिस हाथ से उसने पहले जॉन को सुलाया था, और उसके बाद उसका सर काट के उसे पूरी तरह मार डाला। रेंजर को मारने के बाद अब उसने पीछा करना शुरू किया था अपने असल टारगेट का। वो जैसे ही जंगल में पहुंचा तो हमें पता चला कि इन दोनों ने जॉन को फंसाने के लिए कोई प्लान पहले से ही बनाया हुआ था। जॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप के तौर पे वो लड़का जॉन के सामने आ जाता है, लेकिन इनके कुछ भी करने से पहले जॉन उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। ऐसे वो लड़का नीचे गिर जाता है और जॉन को मौका मिल जाता है उसे बुरी तरह मारने का। जॉन अपने हर विक्टिम को ही ऐसे आराम से ही मारा करता था। वो अब बार बार इस लड़के के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था, जैसे वो उसके हजारों टुकड़े कर देगा। ये देखकर वो लड़की बुरी तरह डर गई। उसके हाथ में जॉन का लॉकेट था जो उसने यहाँ एक कैन पे रखा और वो यहाँ से भाग गई। वो बहुत तेजी से भाग रही थी, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन न जाने क्यों ये जगह उसके लिए भूल भुलैया बन गई थी। वो जितनी भी मरतबा भागती थी, जहाँ भी जाती थी, तो बार बार उसके सामने जॉन ही आता था जो कुल्हाड़ी से उसके दोस्त को मारता जा रहा था। बहुत सोचने के बाद, बहुत हिम्मत करने के बाद इस लड़की ने अपने माइंड के ऊपर काबू पाया और एक नया रास्ता ढूंढते हुए वो वहां पे भाग गई। और फाइनली ऐसे वो एक सड़क तक पे पहुंच गई। इस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही यहाँ से एक लड़की गुजरती है जो उसे लिफ्ट दे देती है। इस लड़की को घबराया देखकर वो उससे पूछती है, क्या हुआ? जिस पर वो जवाब देती है, कुछ नहीं, बस एक बहुत ही खौफनाक जानवर देख लिया मैंने। तभी ड्राइवर लड़की से कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, जंगल में लोग ऐसे खौफजदा हो जाते हैं। एक मरतबा मेरे भी भाई ने एक बहुत ही खौफनाक भालू देख लिया था, जिस भालू ने उसके ऊपर हमला भी किया, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसके भाई का भी जॉन से ही सामना हुआ होगा। खैर, वो देखती है कि अब उसके साथ बैठी हुई लड़की बेहोश हो रही है। ड्राइवर की नजर जब उसके पाँव पे पड़ती है तो उसके पाँव में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, जिसके बैंडेज करने के लिए ये ड्राइवर की लड़की अपनी कार रोक देती है। उसके साथ बैठी हुई लड़की उसे बार बार यही कहती रही कि प्लीज गाड़ी मत रोको, चलाती रहो, इस जंगल को पार कर लो, लेकिन उस ड्राइवर ने एक नहीं सुनी। ड्राइवर इस लड़की की पट्टी करने लग गई, जबकि ये लड़की घबराते हुए जंगल की तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे अभी जॉन आएगा और इन दोनों को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंगल में हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे अपना लॉकेट मिल चुका है और वो ये लॉकेट लेने के बाद यहाँ से कहीं चला जाता है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।